हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं चैप्टर टेक्स्ट लाइबिलिटी वाले के। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए थे और समझा दिया था कि किस तरह से हम टेक्स्ट लाइबिलिटी को कंप्यूट करते हैं। आज हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो आइए करते हैं अब क्वेश्चंस इसके। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्रीमती रानी, एज कितनी है 62 ईयर्स की। यहाँ पे एज का ध्यान ज़रूर रखेंगे। फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, आर एस अंडर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज गिवन 27,000, प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस 9,80,000, कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स 5,000, कैपिटल लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स बीइंग बिल्डिंग 20,000। ठीक है, अब यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का हमें इनकम गिवन है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम ले ली। प्रॉफिट एंड लॉस गेन्स की जो इनकम है वो हमें गिवन है 9,20,80,000 की, वो ले ली। कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट का कैपिटल गेन कितना हुआ है 5,000 रुपीज़ का। लॉन्ग टर्म का लॉस हुआ है, तो ये लॉन्ग टर्म का लॉस कभी भी शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म का लॉस हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेटअप होता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर हमें दिया होता तो हम अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया होता तो हम शॉर्ट टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म से तो सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का कभी भी शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं करेंगे। सो ये माइनस में ही रहेगा, इन सबको हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारी टोटल इनकम आएगी, इस टोटल इनकम पर हमने टैक्स को कंप्यूट करना है। सो इस पर टैक्स लगाएंगे। एज लिमिट देखो यहाँ पर 62 ईयर्स है, यानी इस पर कौन सा स्लैब रेट लगेगा, 3 लाख वाला। सो फर्स्ट 3 लाख पर तो इसका निल हो जाएगा। नेक्स्ट जो 2 लाख है उस पर 5% का लगाएंगे, नेक्स्ट 5 लाख पर 20% का, और बाकी जो बैलेंस बचा उस पर 30% का। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। इस पर सरचार्ज तो नहीं लगेगा क्योंकि इसकी इनकम क्या है, 10,12,000 है, 50 लाख से कम है। रिबेट इसको मिलेगा नहीं क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। जो ये लाइबिलिटी आई है हमारी, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, तो राउंड ऑफ करा तो 1,18,140। ठीक है, अगर ये 144 की जगह हमारा 146 होता तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते 150 के अंदर। किसके अंदर राउंड ऑफ कर देते, 150 में। ठीक है, लेकिन हमारा 5 से कम है तो उस केस में हम इसको ही 0 बना देंगे, इसका राउंड ऑफ उस वैसे नहीं करेंगे, 150 नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल हैज़ द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज कितनी है 1,05,000 की। यहाँ पे ग्रॉस इनकम बोला है तो इसका मतलब हमें नेट इनकम निकालनी होगी, नेट इनकम फ्रॉम सैलरीज, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। अगर यहाँ पे नेट बोला होता तो इसी को हम ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दे देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ की होती है, वो दे दी तो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरीज आ गई 55,000 की। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेड है, कंप्यूटेड वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये कैलकुलेटेड है। इसमें हमें कोई भी एनुअल वैल्यू का 30% या किसी भी तरह की इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं देनी है, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख देंगे। फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से इनकम हुई है 5,20,400 की, इसको भी लिख देंगे। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा GTI, यानी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई 6,12,400 की। अब आगे बोला है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की गई है 5,000 ऑन इस ओन लाइफ एंड 12% टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, 12% किस में दिया, प्रोविडेंट फंड में। अब इनको किस तरह से निकाला गया, प्रोविडेंट फंड में जो 12% है वो निकाला। हमारे पास सैलरी कितने की दे रखी है, 1,05,000 की, 1,05,000 की सैलरी गिवन है, और इसके ऊपर 12% का RPF मिल रहा है, तो कितना का मिलेगा, 12,600 का। सो 12,600 लिख दिया, और इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखी है 5,000 रुपीज़ की, वो ऐड करी कितना आ गया 17,600।
तो ये पूरी की पूरी डिडक्शन 80C के अंदर मिल जाती है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 17,600 माइनस करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी 5,94,800। अब इसके ऊपर हमने क्या निकालना होगा, टैक्स। टैक्स निकालेंगे, अब यहाँ पर किसी भी तरह से उनकी एज नहीं दे रखी तो हम नॉर्मल स्लैब रेट लेकर चलेंगे। टैक्स पहले 2,50,000 पर निल होता है, नेक्स्ट 2,50,000 पर 5%, बाकी 94,800 बच रहा है उस पर 20% का लगा देंगे। हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब इसकी जो इनकम थी टोटल इनकम वो 5,00,000 से ज़्यादा है और 50,00,000 से कम है, ना ही इसको रिबेट मिलेगा ना ही इसको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये सरचार्ज भी निल, रिबेट भी निल। उसके बाद अब इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दे देंगे 4%, 32,718 की टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। अब इसको 18 है यानी 5 से ज़्यादा है तो हमने क्या करना है, इसको 20 बना देंगे। तो राउंड ऑफ कर दिया तो 32,720। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राजकुमार हु इज 70 ईयर्स ओल्ड एंड डिसेबल्ड। यानी वो 70 ईयर्स के हैं और डिसेबल्ड हैं। अब डिसेबल्ड हैं तो इनकी जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80U मिल जाती है 75,000 की मिलेगी, ठीक है। और अगर वो सिवियर कोई डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में 1,25,000 की फिक्स डिडक्शन मिलती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन्होंने दे रखी है वो कंप्यूटेड है, तो कंप्यूटेड वर्ड लिख रखा है तो इसका मतलब कैलकुलेट करके दी हुई है तो एग्जैक्ट वही लिख देंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन 10,10,000 की लिख दिया। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 10,000 का, लेकिन उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है 15,000 का, तो ये तो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, बाकी 10,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर है बैंक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट पर बैंक का इंटरेस्ट 14,000 का, इसको पहले तो हम अदर सोर्स में लिख देंगे, बाद में इसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80TB, ठीक है। तो 80TB की डिडक्शन मिल जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम में से। ग्रॉस टोटल इनकम हमारी इन सबको ऐड करके कितनी आई है 11,04,000 की, इनकी डिडक्शन दे देंगे। बैंक इंटरेस्ट जो अप टू 50,000 तक का होता है उसकी डिडक्शन 100% की अवेलेबल हो जाती है, उसके बाद वाले की डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U डिसेबल्ड है पर्सन, तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी 75,000 रुपीज़ की। इनको ऐड करा, इसकी डिडक्शन दे दी ग्रॉस टोटल इनकम में से, तो टोटल इनकम आ गई 10,15,000। अब इसके ऊपर हमें टैक्स लगाना होगा। अब टैक्स किस रेट से लगाएंगे, इनकी एज दे रखी है 70 ईयर्स ओल्ड, तो 3,00,000 वाला स्लैब रेट यूज़ करेंगे। सो टैक्स ऑन 3,00,000 नील हो जाता है सबसे पहले, फिर 2,00,000 पर 5%, फिर 5,00,000 पर 20% और 15,000 पर 30%। अब इनके टोटल इनकम 10,15,000 थी, 50,00,000 से कम है, सरचार्ज नहीं लगेगा, रिबेट इनको अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि इनका इनकम जो है 5,00,000 से ज़्यादा है। अब हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का लगा देंगे। टैक्स लाइबिलिटी टोटल कितने की बन गई, 1,19,080, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर निवेदित कैलकुलेट हिज टोटल इनकम एंड नेट पे टैक्स पेएबल बाय हिम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी कितना रेंट मिल रहा है, 3,00,000 का, और इन्होंने बोल रखा है कि इसके ऊपर TDS भी काटना है, तो TDS का हम केस बाद में करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, कंप्यूटेड गिवन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेड है तो यहाँ पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम इज होन बिजनेस, तो 8,00,000 का प्रॉफिट गिवन है। इनकम फ्रॉम लॉटरी ग्रॉस्ड अप वाली गिवन है, अगर यहाँ पे नेट लिखा होता तो हम क्या करते उसको ग्रॉस्ड अप करते, लेकिन ग्रॉस ही गिवन है तो नॉर्मल ही ले लेंगे। नेट एग्रीकल्चर इनकम गिवन है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम हायर एजुकेशन 30,000 की, अब इसकी भी डिडक्शन हम लोगों को मिल जाती है। इसकी डिडक्शन कहाँ पर मिलेगी, सेक्शन 80E के अंदर, ठीक है। पहले तो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कितने की है हाउस प्रॉपर्टी की, 3,00,000 है, और लेस करेंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू तो हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी 2,10,000 रुपीज़ की। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है 8,00,000 रुपीज़ का। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म का है 2,00,000 का। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितने की हैं, लॉटरी गिवन है, तो लॉटरी का हमें कितना गिवन है, 80,000 की लॉटरी की इनकम गिवन है, उसको ऐड करा तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 12,90,000 की।
मैंने आपको दो केस कराए थे, एक कराया था कि अगर हमें एग्रीकल्चर इनकम गिवन है तो हम किस तरह से टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे, और अगर हमें एग्रीकल्चर इनकम गिवन नहीं है तो हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे। अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए उनके अंदर हमें एग्रीकल्चर इनकम नहीं दी हुई थी, तो हमने नॉर्मली कंप्यूट करा और उसके बाद टैक्स लायबिलिटी निकाल ली। पहले टोटल इनकम कंप्यूट करी फिर टैक्स लायबिलिटी निकाली। अब इस केस में क्या करना है, हमने पहले टोटल इनकम को कंप्यूट करना है। अब ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, अब उसमें जो भी बनती होगी डिडक्शन वो दे देंगे। डिडक्शन बनती है सिर्फ इसकी 80E के सेक्शन की, तो वो वाली डिडक्शन देंगे। 80E की डिडक्शन दे दी 30,000 की इंटरेस्ट की, टोटल इनकम हमारे पास आ गई 12,60,000। हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम दे रखी थी 40,000 की, उनको ऐड करा हमारे पास एग्रीगेट इनकम आ जाएगी, ठीक है, अगर इन केस हमें एग्रीकल्चर इनकम गिवन है तो, ठीक है। अब सबसे पहले हमें, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कुछ स्पेशल रेट्स के टैक्सेस मैंने बताए थे, जैसे LTCG है, अगर वो आपको गिवन है तो उस केस में आपने 20% देना होता है LTCG का। LTCG कितना गिवन है, 2 लाख का गिवन है, 2 लाख पर 20% देंगे 40,000। लॉटरी की इनकम, इनकी इनकम होती है, इन पर 30% लगता है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, या उसके बाद आपकी जो कैजुअल इनकम्स होती हैं उन पर कितना परसेंट लगता है 30% का, तो पहले इनको दे देंगे। फिर बाकी हमारे 13 लाख की एग्रीगेट इनकम थी, 13 लाख में से 2,80,000 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, 10,20,000। 10,20,000 पर नॉर्मल टैक्स लगाएंगे। यहाँ पर इनकी किसी भी तरह से कोई एज गिवन नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इनकी एज जो है वो अप टू 60 ईयर्स तक की है। सो स्लैब रेट 2,50,000 वाला यूज़ करेंगे, 2,50,000 पर निल हो जाएगी। नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% से लगेगा, फिर नेक्स्ट 2,50,000 पर 20% से, और लास्ट 20,000 यानी बैलेंस इनकम पर 30% से, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई, 1,18,500। इसमें क्या करते हैं, हम लेस करते हैं टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। हमने एग्रीकल्चर इनकम वहाँ पे ऐड करी, लेकिन जो उनका टैक्स बनेगा उसको हमने लेस करना होता है। तो हम लोग टैक्स कैसे लेते हैं, जितनी भी मिनिमम लिमिट होती है प्लस में एग्रीकल्चर इनकम। मिनिमम लिमिट कितनी है, 2,50,000, प्लस में एग्रीकल्चर इनकम कितना बना, 2,90,000। अब देखो हमारे पास मिनिमम लिमिट थी 2,50,000 रुपीज़ की, और इन्होंने बोला था कि कितना और मिलना है, 40,000 की एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, तो 2,90,000 इनकम आ गई। अब हमने क्या लगाना है, इसके ऊपर टैक्स लगाना है, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स है, एग्रीकल्चर का जो टैक्स है उसको लेस करना है। तो उस केस में अब इस वाले के ऊपर हम लोग टैक्स निकालेंगे, तो फर्स्ट 2,50,000 पर एट द रेट निल होता है, फिर नेक्स्ट पर एट द रेट 5% से टैक्स लगता है, तो बचा कितना, 40,000 का ही बचा। तो इसका हम जब 5% निकालेंगे तो उस केस में कितना आएगा, 40,000 का 5% 2,000, तो 2,000 हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो आंसर क्या है, 2,000। तो अब देखो, अब यहाँ पर 2,000 की ये वाली हो गई, अब इसमें से 1,18,500 में से 2,000 लेस करेंगे तो आ जाएगा 1,16,500। 40,000 प्लस 24,000 एंड प्लस 1,16,500, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इसमें हमने अगर सरचार्ज बनता है तो ऐड करेंगे, नहीं बनता तो निल मार देंगे। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दे देंगे 4% का। ये जो टैक्स लायबिलिटी आई है इसके अंदर हम TDS और अगर हमने कोई एडवांस टैक्स पे किया होता है उसको लेस करते हैं। अब TDS इन्होंने बोला था कि रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी का 10% देना है, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी कितने की थी, 3 लाख, 3 लाख का 10% ले लिया 30,000, और हमें लॉटरी पर हमेशा 30% का TDS काटना होता है। अगर कभी भी लॉटरी गिवन है तो सबसे पहले उसका स्पेशल रेट से टैक्स निकाल लोगे, टैक्स निकालने के बाद उसकी TDS दे दोगे, ठीक है। तो टैक्स जो निकाला उसकी TDS दे दी, इनका टोटल करेंगे, उसके बाद टैक्स पेबल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट टैक्स पेबल आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टैक्स पेबल कितना आया, 1,33,720। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द इनकम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ मिस्टर महेंद्र फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। रेंट रिसीव्ड हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी से जो कि लेट आउट किया हुआ था बैंक को 1,42,000 का।
प्रॉफिट फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस 20,000, लॉस फ्रॉम कॉटन बिजनेस 30,000, प्रॉफिट फ्रॉम सिल्वर स्पेक्यूलेशन बिजनेस 20,000, लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस ऑफ गोल्ड 30,000 का इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ग्रॉसअप करके दी हुई है, ठीक है, 47,000 की। लॉटरी प्राइस जो है वो है 4,20,000 का, और इन्होंने बोला है नेट, तो हम इसको ग्रॉसअप करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड हो रहे हैं, शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी 8,000 का अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 15,000 की, और रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं क्यू क्यू बी के अंदर 1,55,000। अब इसके अंदर एक केस है कि अगर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ए एम टी प्रोविजन कब एप्लीकेबल होता है, जब सबसे पहली कंडीशन थी कि अगर ए टी एच से लेकर ए टी आर आर बी के सेक्शन के अंदर अगर कोई भी इंडिविजुअल डिडक्शन को क्लेम करता है तो उस केस में एएमटी का प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। दूसरी ये थी कि अगर उसने 35AD के अंदर डिडक्शन को क्लेम की है तो उस केस में भी उसको डिडक्शन अवेलेबल होगी, ठीक है, अगर उसने डिडक्शन अवेलेबल ली है, यानी इसमें क्लेम किया 35AD सेक्शन के अंदर, ये सेक्शंस हैं, अगर इन सेक्शंस के अंदर उन्होंने डिडक्शन क्लेम किया तो एएमटी का प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट बताया था कि अगर उन्होंने सेक्शन 10AA के अंदर डिडक्शन को क्लेम किया है तो उस केस में भी उनके ऊपर एएमटी का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि बी की डिडक्शन को वो क्लेम कर रहा है, इसका मतलब कि उसको एएमटी का प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब कब होगा, अगर उसकी जो टोटल इनकम है वो अगर 20 लाख से ज़्यादा होगी तो उस केस में उसका एएमटी का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट रिसीव्ड हुआ है 1,42,000 का, 30% की डिडक्शन दे देंगे 42,600, तो टोटल आ जाएगा 99,400। इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट हुआ था क्लोथ बिजनेस से 20,000 का, लेकिन वहीं से ही कॉटन बिजनेस से लॉस हो गया था 30,000 का, तो माइनस का 10,000। लॉस फ्रॉम गोल्ड स्पेक्यूलेशन, और लॉस कैरी फॉरवर्ड था, कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 10,000 का, क्योंकि स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस हम लोग सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये वाला लॉस तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस है ये नहीं होगा, इसलिए इसको बाहर नहीं लिखा गया है, इसको यहीं पे बोल दिया कि ये वाला जो लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट था बैंक का 47,000 का, लॉटरी का मैंने बोला था कि नेट में गिवन है, तो हमें इसको ग्रॉसअप करना होगा। तो ग्रॉसअप करने के लिए क्या करते हैं, 4,20,000 अगर लॉटरी का अमाउंट गिवन है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और डिवाइड कर देते हैं 70 से, ठीक है, कितना आ गया 6 लाख का अमाउंट, तो 6 लाख का यहाँ पर लिख देंगे। डिविडेंड 8,000 रुपीज़ का जो रिसीव्ड हुआ था ऑफ द शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, अमाउंट रिसीव्ड हुआ है मैच्योरिटी ऑन लाइफ पॉलिसी, तो ये तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। रॉयल्टी ऑन बुक्स, बुक्स की रॉयल्टी आप पहले अदर सोर्स में दिखाएंगे, 1,55,000 की ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, फिर बाद में इसी की आपने डिडक्शन ले लेनी है। और बाद में बोला गया है कि उसने 13,500 स्पेंड किए हैं हैंडीकैप डिपेंडेंट के तौर पर, और डोनेशन पीएम नेशनल फंड में दी गई है 22,000 बाय चेक। सो यहाँ पर ATG के अंदर डोनेशन होती है, ATG का जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा, तो डोनेशन की डिडक्शन मिल जाएगी। और ट्रीटमेंट में 80DD जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, 80DD अगर वो पर्सन नॉर्मल डिसेबल्ड है तो उस केस में 75,000 की होती है, लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट वो बहुत ज़्यादा सेवर डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, तो उस केस में 1,25,000। तो यहाँ पर नॉर्मल बोल रखा है कि वो पर्सन हैंडीकैप्ड है, तो 75,000 की डिडक्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी, जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन को माइनस कर देंगे उसके बाद हमारी टोटल इनकम कितनी निकल कर रही है, 6,47,400, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल इनकम जो है वो 20 लाख से कम है, तो यहाँ पर AMT का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, स्पेशल रेट से टैक्स दे दोगे 6 लाख का 30%, उसके बाद टैक्स ऑन अदर इनकम, अदर इनकम का टैक्स
647,400. कैसे? 647,400 में से जो 6 लाख लॉटरी इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया 30% का, वो माइनस करेंगे तो हमारी बची कितनी इनकम 47,400 की, उसमें से हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे ऐड कर देंगे और बाकी बाद में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर TDS लगा देंगे 30% का लॉटरी की इनकम पर, वो लगा दिया. ठीक है, तो नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी? 7,200. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट करनी है टैक्स लाइबिलिटी सुपर सीनियर सिटीजन की, और इसमें AMT का प्रोविजन ध्यान में रखना है. पेंशन गिवन है 6,50,000 की, रॉयल्टी ऑन बुक्स है 19 लाख, एक्सपेंसेस अर्न टू अर्न रॉयल्टी, एक्सपेंसेस जो भी होते हैं रॉयल्टी को खरीदने के लिए या अर्न करने के लिए, वो एक्सपेंसेस वैसे भी लेस हो जाते हैं, उसकी डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है. डिपॉजिट इन प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1,50,000, डोनेशन दी है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में बाय चेक 50,000. अब पेंशन आपको सैलरी के हेड में आती है, तो 6,50,000 माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन तो टोटल इनकम आ जाएगी सैलरी से 6 लाख रुपीज़ की. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम में 19 लाख माइनस 1 लाख जो हमें एक्सपेंसेस किए थे वो वाले माइनस कर देंगे 18 लाख, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी 24 लाख की. फिर डिडक्शन देंगे, PPF के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C 1,50,000 की, और डोनेशन वाली डिडक्शन 80G के अंदर मिल जाएगी, 100% डिडक्टेबल है 50,000 रुपीज़ का. और रॉयल्टी की QQB के अंदर मिल जाती है 80QQB, तो रॉयल्टी कितने की है 3 लाख रुपीज़ की, तो वो उसकी डिडक्शन हम दे देंगे. रॉयल्टी वैसे तो आपकी 18 लाख की है लेकिन अप टू 3 लाख तक ही डिडक्शन मिलती है, तो उसकी डिडक्शन हम यहाँ पर दे देंगे. फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी 19 लाख. फिर हमने कंप्यूट करना है टैक्स पेबल कितना है, तो हमारी सुपर सीनियर सिटीजन बोली है तो स्लैब रेट कौन सा यूज़ करेंगे, 5 लाख वाला. तो टैक्स लगेगा पहले 5 लाख पर निल, नेक्स्ट 5 लाख पर 20% का, नेक्स्ट बैलेंस इनकम पर 30% का वो लगाया, उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स पे किया, तो टैक्स पेबल कितना आ गया 3,84,800. अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारी यहाँ पे QQB की डिडक्शन आ रही है 80S से लेकर 80RRB के अंदर जो भी डिडक्शंस होती हैं, अगर वो डिडक्शंस हो रही हैं तो वो पर्सन इंडिविजुअल AMT को AMT के प्रोविजन पर अप्लाई होता है, उसके ऊपर अप्लाई होगा AMT का प्रोविजन. और यहाँ पर पहले ही बोल रखा है कि उसका प्रोविजन ध्यान में रखना है, तो हमने एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी है. तो हमारी टोटल इनकम कितनी है 19 लाख रुपीज़ की, इसमें ऐड कर देंगे QQB वाली डिडक्शन, यानी जितनी भी डिडक्शन अगर हमने 80S से लेकर 80RRB में दी है, या 35AD सेक्शन के अंदर दी है, या फिर सेक्शन 10AA के अंदर दी है डिडक्शन, तो उन सारी डिडक्शन को ऐड करना है. ठीक है, ऐड करा तो एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगा कितना आया 22 लाख. अब ये 20 लाख से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो है AMT के प्रोविज़न इस पर अप्लाई होंगे. तो अब हमने AMT का प्रोविज़न इस पर अप्लाई करना है, जो भी हमारी इनकम निकल कर आई है उसका 18.5% ये एग्जैक्ट रेट होता है, ये रेट हमेशा ध्यान में रखना, इतने रेट पर हमेशा देनी ही देनी होगी. तो इतनी टैक्स हमने निकाल ली, प्लस ऐड करा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से इसका. अब जो ये टैक्स पेबल होगा वो होगा 4,23,280. टैक्स पेबल ए जो हमने कैलकुलेट करा और दूसरा जो AMT के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करा, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा वही टैक्स पे करेगा वो पर्सन, वो इंडिविजुअल पर्सन. ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमारी जो इसमें टोटल इनकम थी वो 6,47,400 की थी. ठीक है, अब अगर मैं इसमें ऐड भी करूं जो हमारा QQB के अंदर डिडक्शन मिला है, इसको कितना मिला है 1,55,000 रुपीज़ का. ठीक है, जब भी ये इनकम 20 लाख से कम है, अगर 20 लाख से ज़्यादा होती है तभी AMT का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होता. सो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.